नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं, जिसके जीते जागते उदाहरण सरकारी अस्पताल में है। कहीं जेसीबी से शव को उठवाया जाता है तो कोई ठेले पर शव को रख कर ले जाता हुआ नजर आता है। मानवता को शर्मसार करने वाला ताजा मामला डबरा का है, जहाँ प्रसूता ने सिविल अस्पताल के बाहर ही बच्चे को खुले में जन्म दे दिया। समाज को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं सिविल अस्पताल की, जहां प्रसूता ने बच्चे को खुले में ही जन्म दे दिया। अस्पताल स्टाफ की संवेदनहीनता उनके पद की गरिमा को मुंह चिढ़ाती रही, लेकिन कोई भी जिम्मेदार प्रसूता की मदद के लिए आगे नहीं आया। बीजापुर गांव का रहने वाला लक्ष्मण जाटव अपनी पत्नी को सुरक्षित प्रसव की उम्मीद लिए सिविल अस्पताल लाया था, लेकिन अत्यधिक प्रसव पीड़ा की वजह से उसने बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि अस्पताल परिसर में मौजूद महिलाओं के हाथ मदद के लिए आगे आए और उन्होंने महिला की सुरक्षित डिलीवरी करा दी। इसके बाद उजागर हुई सिविल अस्पताल स्टाफ की शर्मनाक करतूत की जीती जागती तस्वीरें, जिसमें किसी भी जिम्मेदार ने बाहर आकर महिला की मदद करने की जहमत नहीं उठाई। सिविल अस्पताल में स्टाफ की संवेदनहीनता के बीच खुले में डिलीवरी होने के बावजूद जाको रखे साइयां मार सके ना कोई की कहावत सही साबित हुई और जच्चा बच्चा के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस मामले में जब अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की गई तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मुंह छिपाते हुए नजर आए। डबरा से अजय गौर की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।